राधे राधे। भगवान का एक परम भक्त हिरण पटेल, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इनका प्रश्न है कि सिद्ध संत, योगी, महापुरुष और बहुत सारे ऐसे महात्मा जो ईश्वरीय शक्ति ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही साधारण रखते हैं, उनके ऐश्वर्य को साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता या नहीं जान पाता। तो उसको जानने के लिए हम लोगों को धैर्यपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए या कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे उसको जाना जाए। तो हिरेन, इसके लिए सिर्फ सेवा ही पर्याप्त है। संत महापुरुष, इनका स्वभाव होता है, क्योंकि देवराहा बाबा सरकार जी ने संत के लक्षण बोले हैं, संत सोई जो काया साधे, तज आलस अरुबाद विवादे, गहे धारणा सब गति भारी, तजे विकलता अस्तुति गारी, दयावंत धीरज को धारे, पांचो बस कर मन को मारे, जब सोवे तब शून्य में, जब जागे हरि नाम, जब बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। भक्ति करे निष्काम, संत हमेशा निष्काम जीवन जीते हैं। वो अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे उनको इस संसार के मायामयी वस्तु का लाभ हो। अगर वो अपने लिए कुछ करते हैं तो ईश्वरीय लाभ, और ईश्वरीय लाभ ऐसा लाभ है कि उससे अनेक अनेक व्यक्तियों का लाभ किया जा सकता है। माया एकत्र के करके क्षण भर में ख़त्म हो सकता है। आप पहाड़ जैसा रुपया कर लीजिए, तुरंत ख़त्म कर सकते हैं, बांट सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपके पास परम धन परमात्मा का कृपा प्रसाद स्नेह है तो पूरे जीवन बांटते रहिए, कभी समाप्त होने में आएगा ही नहीं। इसीलिए तो मीरा जी ने कहा, बांटे घटे नहीं, चोर लूटे नहीं, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन आयो। वो जितना खर्चेंगे आप उतना ही बढ़ता है। संत स्वभाव से ही सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान है। उनका जो हृदय है वो मक्खन के जैसा होता है, मुलायम। थोड़ी सी गर्मी लगी वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। संत के पास अगर आपने थोड़ी सी दुखड़ा अपनी बोल दी, वो पिघल जाते हैं, तुरंत उनका दोनों हाथ उड़ जाएगा। ऐसे कृपा करने के लिए, आपके दुख दूर करने के लिए दोनों हाथ उड़ जाता है। क्यों? उनके हृदय में दया है, प्रेम है, करुणा है, समदृष्टि है, और वो
तत्पर रहते हैं लोगों के दुख को दूर करने के लिए। संत बिट पसरिता सुर धरणी, परहित लागी इनके अवतरणी। ये दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, कल्याण करने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। और हमेशा संत, बिटप मतलब वृक्ष, सरिता मतलब नदी, धरणी मतलब पृथ्वी माता, ये सदैव इनका अवतार दूसरों के कल्याण के लिए ही है और यही कार्य ये करते ही रहते हैं। तो अगर संत के अंदर कोई सिद्धि है तो मैं आपको ये उपाय बता देता हूँ कि आप उनकी सिद्धि को कैसे जानेंगे, उनके स्वर्ग को कैसे पहचानेंगे, उसकी प्राप्ति आपको कैसे हो। तो संत की अगर सिद्धि जाननी हो, उनकी स्वर्ग को जानना हो, तो एक बहुत ही सरल उपाय है कि वो संत बहुत सरल होते हैं। जो सरल है समझ लीजिए वो सिद्ध है, जो सहज है समझ लीजिए वो सिद्ध है। संत का स्वभाव सरल होता है और उनका आचरण सहज होता है, यही पहचान है कि आपके आप उनके ऐश्वर्य को, उनकी ईश्वरीय शक्ति को एकदम भली भांति जान जाएंगे। क्योंकि स्वभाव ही मनुष्य का पहचान होता है और जिसका सरल स्वभाव है साधु है, समझ लीजिए। और उनकी सेवा करिए, आपको सब चीज़ प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि संत से दुर्लभ नहीं, संत का सेवा करने से कुछ दुर्लभ नहीं, संत से कछु दुर्लभ नहीं। ईश्वर रिझत आए जी, संत मिले ठाकुर मिले, दोनों को लो ये ले उरी जाए जी। संत मिले ईश्वर मिले, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से आप उनकी सरलता के माध्यम से, सहज स्वभाव के माध्यम से उनके ऐश्वर्य को अच्छी तरह से जान सकेंगे। और जब ऐसी भावना से आप उनकी सेवा करेंगे तो वो आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। राधे राधे, गुरु कृपा आशीर्वाद है, श्री राधे।